तो गाइस सुबह के बज रहे हैं, रात के बज रहे 2 और बहुत दिन हो गए हमारा ब्लॉग नहीं देखा होगा आप लोगों ने, थोड़ा हम बिजी हो गए थे। और आज हम जा रहे हैं शिरडी राज की गाड़ी लेने, नई गाड़ी आई है इसकी, उसका ब्लॉग आपको आज पूरा दिखाएंगे। बहुत महंगी गाड़ी ली है इसने, 35 लाख रुपए की बाइक ली है। तो और बाकी के लौंडे हमारे अभी कोई सोए नहीं है, वो खा रहे हैं भेल, में दिखाता हूँ रुको, चाचा साला। और ये चैनज भैया गाने सुन रहे हैं और भेल खा रहे, और ये और हम जा रहे हैं गाइस, बाय बाय। हमारी कैब आ गई है, अभी हम निकल चुके हैं शिरडी के लिए दोस्तों, फिर हम ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन से हम जाएंगे शिरडी, शिरडी से दर्शन करके हम जाएंगे एक शादी में, शादी में हमें मिलेगी हमारी गाड़ी और फिर गाड़ी से हम आ जाएंगे। ये हमारी बहुत चकाचक कैब, सब हम कैब में बैठ गए और कैब चल पड़ी है और हमें अच्छी कैब मिली है, इसमें आर्म रेस्ट भी है आप देख सकते हैं, सॉरी अंधेरे में दिख नहीं रहा है। तो मैं आपके लिए फ्लैश ऑन कर देता हूँ सर, ये आर्म रेस्ट है, देखिए रईसों वाली शॉप, और हमारे पास है चॉकलेट। हम आ चुके हैं PCMC रेलवे स्टेशन पर, गाइस हमारी ट्रेन 2 मिनट डिले बता रही है, देखते हैं टाइम कवर करके यहाँ पर आ पाती है कि नहीं समय पर। बहुत बड़ा एडवेंचर है 24 घंटे का, अभी स्टार्ट ही हुआ है, उधर से बाइक से आना है, उधर से बाइक से आना है, और उसमें चैलेंज ये है कि हमको निकलना है दोपहर में ताकि हम सही सलामत दो शाम तक यहाँ अंधेरा होने से पहले रूम पे पहुँच जाए। मैं तो वहाँ से गमछा खरीदूँगा सफ़ेद कलर का, और क्या खरीदूँगा, शिरडी से खरीदूँगा, गले में पहनने का लॉकेट, मेरा भाई 10 हो जाएगा, तो पहले ही 10 हो। ये हंस क्यों रहा है गाइस, कमेंट में बताइए, रेसिस्ट कहीं का। हाँ रेसिस्ट है ये, रेसिस्ट हिपोक्रेट। हाँ अच्छा तूने बाल इसीलिए कटाए साले, मेरे को बोलता मैं भी कटा लेता। किस लिए? कि आएंगे कि ऐसे कटाए थे? मैं तो ऐसे कटाए थे। अच्छा हमारे नाम गाइस देखिए यहाँ पे दो लाशें पड़ी हुई है रेलवे स्टेशन पर, ओ माय गॉड, कफन लगा हुआ है एक पे। आ चुकी है, ये हमारा डिब्बा है, इसमें हम बैठेंगे और जाएंगे। जब हम ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं और हम आपसे मिलेंगे सुबह 9 बजे शिरडी में। गाइस शिरडी आने वाला है, हम सो के उठ गए, एसी हुई सर गाइस आपकी नींद, 12 बज गई गाइस, बहुत बड़ी नींद है गाइस, एंड टाइम पर गाइस ने बोला है नींद पूरी नहीं हुई है, मैं दिन में सोया भी नहीं। हम तो दिन भर ऑफिस में भी थे गाइस, हमको तो कुछ नहीं हुआ, दिलवाना यार ये शर्म दोस्तों, हमारे भाई को हम ले आए शिरडी दर्शन कराने, मोबाइल चार्ज हो रहा है, रात भर गेम खेला इन्होंने, इसमें बैठ के बैठ गए। ये हरियाली दिख रही है, तो दिखने में ये बाकी तो गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है हम उतर गए ट्रेन से और अभी हम बस में बैठे हैं, श्री शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट की बस है, फ्री में ही हमें डायरेक्ट मंदिर ले जाएगी, दिखाता हूँ मैं आपको। ट्रेन खड़ी हुई है, वहाँ निकल जाऊँ, राजन है, ये बस है, 9:34 हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन कर लिए बाबा के, मजे आ गए, एकदम बार दर्शन हुआ, VIP दर्शन करे, 6600 रुपये लगे धोई के, गाय हमारे तो ऐसे ही हो गए और मज़े ही आ गए हैं, वैसे हम मजाक कर रहे हैं, पैसे नहीं लगे हैं, हमारी पकड़ थी यहाँ तो हमको डायरेक्ट दर्शन करा दी, क्यों राज हाँ भाई सब जगह पकड़ रही थी क्या, तो अभी हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं दूर दूर से मस्त माहौल है, पीछे लोग दर्शन करने जा रहे हैं, फिर साई बाबा का ट्रस्ट वगैरह का सामान है, सामान क्या है मतलब बिल्डिंग है, अब हम बस पकड़ेंगे, आगे का ब्लॉग बताते हैं आपको। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं गाइस, धूप बहुत है, गर्मी में मरे जा रहे हैं, कुछ खाने पीने को चाहिए, भूख लग रही है। ओके ब्रो, बैठते हैं हम अब खाने का ढूंढते हैं कुछ गाइस, बस स्टेशन आ गए यहाँ सरकारी बस में, आज तक नहीं बैठा हूँ मैं, राज सरकारी बस में बैठाएगा मेरे को, मैं आपको बस दिखाता हूँ गाइस, सरकारी इसमें बैठ के हम जाने वाले हैं, रेड वाली कैंसिल होके ग्रीन वाली हो गई है, राज बोल रहा है ग्रीन वाली में जाएंगे, ब्लू भी ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ कलर के हिसाब से बसेस चलती है गाइस, पहली बार बैठा हूँ मैं ऐसी बस में, अभी तक गाड़ी से ही ट्रैवल कर रहे थे, आज मजबूरी में बस से आया हूँ इसके चक्कर में गाइस, हमें
कभी कभी गर्मी में मजा भी देना चाहिए। साले गाली भी डाल सकता है। गाइस हमेशा आरकेसिस नहीं बनना चाहिए, कभी कभी गर्मी में मजे लेना चाहिए। आज हम उसको काटूंगा गर्मी के मजे, और गर्मी में हम दोनों अभी ऐसे ही एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अच्छा लग रहा है, अभी से एग्जॉस्ट हो रखे हैं हम भयंकर तरीके से। लेकिन गाइस हमने खरीदी है बिसलेरी की बॉटल 20 वाली 30 रुपए में। पानी ठंडा है यहाँ पे, कुछ मिले ना मिले पानी बढ़िया। गाइस हमने 200 रुपए का डोसा खाया, 30 रुपए की बॉटल खरीदी, पर उसमें अच्छा से 30 रुपए की बॉटल नहीं थी। 30 रुपए का डोसा गाइस 200 रुपए का था। बिल्कुल तो वो 500 रुपए का हो गया। पर गाइस मैंने वो सारे ऑनियन ऐसे निकाल के साइड से रख दिए क्योंकि मैं नहीं खा रहा। ये जेन है ना, आपको बताया था जेन वाली बात के लिए आप कमेंट में बताएं। तो लूनो होना। अब बस खराब हो गई है, अब बस सुधरने गई है, उसका स्टेयरिंग जाम हो गया है, अब राज के चक्कर में ये भी सहना पड़ रहा है और हम यहाँ बैठे हुए हैं। गाइस राज के चक्कर में तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे राज खुद नीचे घुसा था गाड़ी के स्टीयरिंग खराब करने। मजा आ रहा था हमको, क्या बताएं भाई इसके। अब जो भी है कॉन्सिक्वेंसेस तो इसको ही एक्सेप्ट करना पड़ेंगे ना। तो भैया मैं घुसा था क्या गाड़ी के नीचे स्टीयरिंग खराब करने? आया तो मैं तेरे साथ हूँ ना भाई, जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आपको कोई पर्सनली होता है उसकी जवाबदारी हम लेंगे। मुझे हो रहा है मेरा मेंटल इशू, मेंटल हरासमेंट हो रहा है आपका। हाँ, केस करूँगा मैं तुम पे। तो गाइस अभी हम जाएंगे, अब बस आ रही है, उन भैया ने बोला है दूसरी बस आएगी या फिर वही सदर के आएगी। एक तो यहाँ महाराष्ट्र की सारी बसें अटाला हो रखी हैं, क्या सरकार कर क्या रही है यहाँ? थोड़ा स्टैंडर्ड बसेस रखना चाहिए, फुल ए सी वाली। बस चले तो यार खटर 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 आवाज़ आ रही, नींद भी नहीं आ रही, हालत ख़राब हो गई, उल्टी अलग हो जाए आदमी को। अब बस आती तो मैं आपको आगे की रिपोर्ट देता हूँ गाइस। जब तक के लिए गुड बाय, और आप घर पे बढ़िया कूलर में हवा खाओ और हमारा ब्लॉग एंजॉय करो। हम धूपड़े में परेशान हो रहे हैं आप लोगों के लिए। 41 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है। ओके गाइस बाय बाय। अब हमारी बस सुधर गई है और प्लस का जो इशू था स्टेयरिंग का उन्होंने थोड़ा बहुत अभी रिजोल्व कर दिया है टेम्प्ररी। अभी हमें अपडेट मिली ड्राइवर से, हमारी बस जाएगी जहाँ इसका डेस्टिनेशन है वहाँ पे सुधरेगी। जंक्शन के लिए गाइस अभी हम बस में बैठे हैं, और ये वाली बस में तो हमने ऑनलाइन पेमेंट नहीं करा, पर उसके पहले वाली बस में हो गया था। हमने यहाँ मतलब अच्छी बसें से रुकी, उनमें ऑनलाइन पेमेंट नहीं करा, सरकारी बसों में ऑनलाइन पेमेंट। और यहाँ पे एक खास चीज़ दिखा दूँ आपको, बस रुकाने के लिए घंटी लगाई गई है हर सीट पे, जैसे ट्रेन में चेन होती है ना वैसे। इमरजेंसी पुलिंग वाली, इमरजेंसी पुलिंग वाली। आप इसको स्विच करके इसको मैं खींचूँगा तो आगे आगे घंटी बजी लगी हुई है। और आगे वो ड्राइवर भैया बस रोक देंगे, और आप देख सकते हैं क्या सफर चल रहा है एकदम कड़ाके के। हम खुद खा लेते फिर आपको बता देते कि हमने क्या खाया। चश्मा लगाना तो गाइस रो कोल्ड अब आगे ना भाई हमारा स्मार्ट लग रहा हो। अभी गाड़ी का ब्लॉग बाकी है, मेन ब्लॉग तो आगे मिलेगा आपको, तो जुड़े रहे हमारे साथ। स्किप करना करें, ऐसा नहीं कि वीडियो से बोर होते बंद कर दें, पूरी वीडियो देखें, जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, और हमें सपोर्ट भी करिए, लाइक करें और सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। क्या यार मजे नहीं आ रहे यार, ब्लॉग बनाने का मन भी करना चाहिए ना फिर हमारा। आप लोग हमें प्यार नहीं दिखा रहे, अपना प्यार दिखाओ हमें अपना। आप लोग ही हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन है, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, हमसे जुड़िए। ओके, हमें छोटा भाई समझिए। चल अब तो सही मन सब्सक्राइब कर देंगे, ज़्यादा बोल कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, कल गए शादी में से और हमने दर्शन कर लिए। दर्शन का वीडियो नहीं बताया है क्योंकि अंदर मोबाइल नहीं ले जाने देते हैं। और अब हम आपको राज की गाड़ी रिवील करेंगे। टना नना नना पीछे वो पक्ष है, देख सकते हैं आप, पहाड़ी है, जंगल का बढ़ रहा था, देखने भी सूखा हुआ है। हमने गाड़ी देखा था राज, तो गाइस हमने लिया ट्रायम्फ सेक्सी बीस्ट। यार
ये राज रतन के साथ। तो ये रहा हमारा व्यू, मस्ती हो रही है, मज़ा आ गया ट्रेवल करके। बस कुछ घंटों में हम घर पहुँच जाएंगे, तब हम स्टार्ट करते हैं हमारी गाड़ी का।